भाई जी। बचपन से लेके आज तक पिताजी मुझे याद नहीं पड़ता कि आपने कभी मुझे बिजनेस मीटिंग्स और चेक साइन करने के अलावा कभी याद किया। आपको देख के मुझे एक राजा की याद आती है जिसको ये वरदान था कि जो चीज भी वो छू लेगा वो सोने की हो जाएगी। एक दिन राजा ने अपने बेटे को छू लिया और बेटा सोने का हो गया। राजा बहुत पछताया, गिड़गिड़ाया, लेकिन बेटा कभी वापस नहीं आ पाया। आपको देख के पिताजी मुझे समझ में आता है कि आपने तो वो गलतियां भी नहीं की, क्योंकि आपको पता था कि आपके ये चेक्स, आपके ये मीटिंग्स कौन साइन करेगा है? आप अरखुरदार विक्की बेटा, दर बदर सर पटकने से क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। हाय। एक साले आप लोग थे, एक साले वो लोग थे। हाय। वो साले उल्लू के चरके, उनमें से एक आता है हमारा घड़ी निकाल लेता है। वो हमारा घड़ी निकालने के बाद दूसरा जब पीछे से हमारा बटुआ निकाल लेता, उसको नहीं पता था आजकल पेटीएम सुपर मार्केट में। दूसरा पीछे से आता है, कहता आए नहीं आए। क्योंकि एक साले आप लोग हैं, एक साले वो लोग थे। आए। आए, 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 इस पे, पे, इस पे। मीना जी हमें कहती है कि आप कलाकार को नहीं समझते। मीना जी के लिए, मीना जी समझ आए। मीना जी के लिए है कि जो कलाकार इंसान को ना समझे वो कलाकार नहीं है, इसी प्रकार जो इंसान कलाकार को ना समझे वो कलाकार नहीं है। अच्छा होता क्या है, मतलब आपकी अपनी एक बंदी, मतलब आपने सोच रखा है, इमेजिन कर रखा है कि वो हो, आप बैठे हो कुर्सी पे इसी तरीके से गार्डन में, यही हमारा गार्डन है। हमने अपना रुमाल नीचे कर लिया लाइक दिस, अचानक से मीना जी आ जाए तो क्या होगा कि अब डायलॉग आएगा, अब डायलॉग तो आना पड़ेगा कि आंखें मूंद के बैठे हो तसव्वुर में किसी के, समझ रहे हो? आपने भी कभी याद किया होगा किसी को ऐसे अंधेरे में तकल्लुफ में, कि आंखें मूंद के बैठे हो तसव्वुर में किसी के, ऐसे में कोई छन से आ जाए तो क्या हो आए। एक साले वो लोग थे, एक आप लोग आए। वो साले उल्लू के चरके, वो हमारा घड़ी ले गए, उनको पता नहीं था इसमें अभी सेल भी पड़ना है। दूसरा था हमारा बटुआ ले जाता, उसको नहीं पता था कि आजकल पेटीएम चलता। छोटिया कटिया भाई उसका। उसको जरा हमारा घड़ी का सेल देना और हमारे पेटीएम का पासवर्ड देना, क्योंकि और भी काफी सारे बिल हैं जो उसको भरने आए। क्योंकि साले एक साले वो लोग थे, एक आप लोग। सुबह